सो हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब? और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू गटी पेट्स ओआरएस इलेक्ट्रोलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक का। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो मेडिसिन है, ये गटी पेट, ये कुछ ऑरेंज कलर की इस तरीके की विब्रेंट पैकेजिंग में आपको ये अवेलेबल हो जाता है। बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, तो इसके अंदर 5 सैशेज आपको अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट होता है और प्री एंड प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट होता है। इसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से अपने पेट को देना है, ये पूरा आपको जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो जैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो मेडिसिन जो है, अगर आपके डॉग को कभी भी डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तब आप इसको देते हैं ताकि उनके बॉडी में जो पानी की जो कमी हो गई है वो बैलेंस हो सके। साथ ही उनके बॉडी में कभी कोई वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे भी लड़ने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। और साथ ही ये मेडिसिन जो है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो कभी भी अगर आपके डॉग को स्टूल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो रहा हो या उसके पेट में कभी पेन हो, तो आप इस मेडिसिन को अपने डॉक्टर से पूछ करके दे सकते हैं। बात करें इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये जो मेडिसिन जो है, ये 5 सैशेज में अवेलेबल होती हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। एंड इस मेडिसिन की अगर इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, डेक्सट्रोड एनहांस इंग्रेडिएंट, ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड करे गए हैं। साथ ही जब भी आप इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी आप प्रोडक्ट कोई सा भी परचेज करते हैं, कोई से भी मेडिसिन परचेज करते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी एक बार जरूर से चेक कर लें। अब बात करते हैं कि इस मेडिसिन को आपको कितना अपने डॉग को देना है। तो अगर आपका जो डॉग है वो 10 केजी के अंदर में है, तो आपको 1 सैशेज पर डे देना है। अगर आपका जो डॉग है वो 10 से 30 केजी के बिटवीन है, तो आपको 2 सैशे पर दिन देना है। और अगर आपकी कैट है, तो आपको 1 सैशे पर दिन देना है। आपको 100 मिलीलीटर पानी को इसमें मिला लेना है, और फिर आपको हर 5 से 4 दिन तक इस मेडिसिन को देना होता है। हर 8 घंटे पे आपको इसको पिलाना रहता है। तो ये जो मेडिसिन है, आपको 330 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप एक पैकेट परचेज करते हैं मार्केट से, तो ये आपको 66 रुपीज़ में अवेलेबल रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अपने पेट को देना है। तो जब भी आप इस पैकेट को ओपन करते हैं, तो आपके इस तरीके से सैशे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 सैशे हैं, 2 सैशे ऑलरेडी मैंने अभी अपने पेट को दे चुका है। एक कल दिया था और एक परसों दिया था। आज मैं नया पैकेट बनाने वाली हूँ और आज मैं उसे नया पैकेट दूंगी। तो किस तरीके से इसको बनाना होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो एक पैकेट हम निकाल लेंगे। तो ये एक पैकेट को पहले हम अच्छे तरीके से कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस पैकेट को हमने कट कर लिया है। और जैसे ही हमने कट किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी पाउडर मौजूद है, और साथ ही आपको ये सैसे पैकेट देखने को मिलेगा। तो इसको हम अलग से निकाल ले रहे हैं, और बाकी ये जो पैकेट है ये हम एक बॉटल में डाल ले रहे हैं। तो ये जो बॉटल जो है, ये ओरियो का ही है, गोल्डन रिट्रीवर है मेरा। तो उसको इस तरीके से हम मेडिसिन दे रहे हैं। एक बॉटल डॉग का आता है, वो आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया। बाकी जो अगला सैशे है, इसको भी कट करके इसमें ऐड कर लेना। तो ये सैशे भी हम लोगों ने कट कर लिया है, और इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब हमको क्या करना है कि एक स्पून की हेल्प से आप इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। जिस तरीके से जब भी हम नींबू का शरबत बनाते हैं या कोई से भी ड्रिंक बनाते हैं, तो ऐसे मिक्स करते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हमको मिक्स कर लेना है। और आपका डॉग अगर इसको नॉर्मली अगर पी रहा है, तब बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं पी रहा है, तो आप स्पून की हेल्प से उसे इस तरीके से ड्रिंक को पिला सकते हैं। तो लगभग 3 से 4 दिन आप लगातार पिलाएंगे। 5 दिन तक मैक्सिमम पिलाना होता है, कोर्स कंप्लीट करना होता है इसका, तो आपके डॉग की हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।